हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये रेडमी का A1 है जिसमें FRP लॉक लग गया है, तो आज मैं इसका FRP बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड, रेडमी A1 का पहले भी मैंने वीडियो बना के रखा है, पर वो पुराना ट्रिक है। अब वो ट्रिक काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो गया है। पुराना वर्जन में ऐप ओपन होता था, लेकिन अब इस लेटेस्ट वर्जन में ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको नया ट्रिक बताने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सिलेक्ट किया हुआ है, स्टार्ट पे टैप कर देंगे। यहाँ कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ नीचे स्किप दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लें ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो हम लोग डाल ले रहे हैं और उसके बाद वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए, कनेक्ट कर लिए, ये ऑटोमेटिक है, यहाँ से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाएँ, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाएँ और अपने वीडियो को देखें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। दिक्कत आने पर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पर 1-2 मिनट लगता है, तो जब तक अगला ऑप्शन ना आ जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, रेडमी A1 का FRP बाईपास वीडियो पहले भी मैंने बना कर रखा है। वो वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक नया ट्रिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, अधूरा ना देखें, क्योंकि पूरा देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास अब नया ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें, आपके फ़ोन का FRP बाईपास 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, या नीचे में आपको दिख रहा होगा डोंट कॉपी, इस पर टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर टैप कर देंगे तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए, लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पर डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। और वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है, देखिए यहाँ पर लॉक बना हुआ है, और जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हम लोग बैक आ जाएंगे और बैक आएंगे पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। आ गए। अब क्या करेंगे, इस फ़ोन का टॉल बैक को ऑन कर लेंगे। तो वॉल्यूम अप बटन, अब वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखे रहेंगे थोड़ी देर तक, इसी तरह प्रेस किए रहेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टर्न ऑन लिखा है, इस पर टैप कर देंगे। अब फिर से हम लोग वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे फिर से, तो हम लोग के फ़ोन पर टॉल बैक ऑन हो जाएगा। ठीक है, टॉल बैक ऑन हो चुका है अब हम लोग के फ़ोन पर। अब हम लोग यहाँ डिस्प्ले पर उल्टा आइल बनाएंगे। चलिए उल्टा आइल बना देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। यहाँ सबसे ऊपर पर डबल टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है यूज वॉइस कमांड, इस पर टैप करेंगे और डबल टैप करेंगे और बोलेंगे ओपन गूगल असिस्टेंट, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुलेगा। अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है यूज विदाउट ए गूगल अकाउंट, इस पर हम लोग टैप करेंगे, उसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे। अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, टॉल बैक को ऑफ कर लेंगे। तो वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखे रहेंगे तो यहाँ पे टॉल बैक डिसेबल हो जाएगा। देखिए डिसेबल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑल लैंग्वेज, इस पर टैप करेंगे
अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना है और खोजना है इंग्लिश। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश मिल गया, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ नीचे डन लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ 2 सेकेंड रुकेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओपन यूट्यूब। जैसे हम लोग यहाँ पर ओपन यूट्यूब बोलेंगे, यहाँ पर ओपन यूट्यूब लिखा जाएगा और हम लोग के सामने में इस फ़ोन का यूट्यूब खुल जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग के फ़ोन का यूट्यूब खुल चुका है। अब यहाँ ऊपर में प्रोफाइल का आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ सेटिंग पे टैप करेंगे। अब यहाँ सबसे नीचे अबाउट लिखा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है यूट्यूब टर्न ऑफ सर्विस, इस पर टैप करेंगे तो हम लोग के सामने में क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा। यहाँ नीचे में लिखा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ नो थैंक्स करेंगे, ठीक है। इतना करते ही साथ हम लोग के सामने में ब्राउज़र खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और लिखेंगे VNROM। चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं VNROM। VM ROM लिख दिए, अब सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में VM ROM का वेबसाइट दिखा रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब हम लोग के सामने में VM ROM का वेबसाइट खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन स्मार्ट लॉक, उसके सामने दिखेगा ओपन स्क्रीन स्मार्ट लॉक, उसके सामने ओपन लिखा, उस पर टैप कर देंगे। अब आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में लिखा है प्रोटेक्ट योर फ़ोन। यहाँ पहला नंबर में लिखा है पैटर्न, सेकंड में लिखा है पिन, थर्ड में लिखा है पासवर्ड और लास्ट में लिखा है नॉट नाउ। तो यहाँ किसी भी एक पे टैप करेंगे और नया पैटर्न लॉक या पिन लॉक सेट कर लेंगे। तो पैटर्न पे टैप कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नया पैटर्न लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, फिर से एक बार री एंटर करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ऐप इन्फो, इस पर टैप कर देंगे। पर इस फ़ोन में अभी लॉक सेट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, एक बार बैक आएंगे, फिर से हम लोग यहाँ स्क्रीन स्मार्ट लॉक लिखा हुआ, उसके सामने जो ओपन लिखा है उस पर टैप कर देंगे। अब हम लोग फिर से यहाँ पैटर्न लॉक पर टैप करेंगे और फिर से यहाँ पैटर्न लॉक ड्रॉ करेंगे। चलिए पैटर्न लॉक ड्रॉ कर दिए, फिर से री एंटर कर दिए, कंटिन्यू किए, अभी भी सेट नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर इंटर करके कंटिन्यू करेंगे, अभी भी सेट नहीं हुआ। यही प्रक्रिया हम लोग को बार बार दोहराते रहना है जब तक हम लोग के फ़ोन पर नया पैटर्न लॉक सेट ना हो जाए। यही चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे, हार नहीं मानना है, बार बार आपको ट्राई करते रहना है। देखिए हो गया फाइनली। अब क्या करेंगे, यस आई एम इन पे टैप कर देंगे, उसके बाद यहाँ गेट इट कर देंगे। अब हम लोग के फ़ोन में लॉक लग चुका है, मतलब इस फ़ोन में नया पैटर्न लॉक सेट हो चुका है। अब हम लोग बैक आ जाएंगे, पूरा बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे स्टार्ट मेनू में अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू सेलेक्ट है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ स्किप करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क पहले से कनेक्ट है, यहाँ से ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ गया है। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे डोंट कॉपी लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर पैटर्न लॉक मांग रहा है फ्रेंड। यहाँ पर पहले पासवर्ड लॉक मांग रहा था जब इस फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। अब हम लोग इस फ़ोन में पैटर्न लॉक सेट कर दिए हैं, तो अब यहाँ पर पैटर्न लॉक मांग रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वही पैटर्न लॉक डाल देते हैं जो हम लोग सेट किए हैं। तो चलिए वही पैटर्न लॉक डाल देते हैं। तो देख सकते हैं पैटर्न लॉक ले लिया है और यहाँ से आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है, पर आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ नीचे में स्किप का ऑप्शन आ गया है, इस स्किप पे हम लोग टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी स्किप पे टैप करेंगे। अब यहाँ मोर पे टैप करेंगे, फिर से मोर पे टैप करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर ओके करेंगे। फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड इतना करने के बाद हम लोग के फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं अब हमारा मोबाइल जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है, मतलब इस फ़ोन से गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।